सो गाइस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से। अभी जा रहा हूँ हरमंदिर साहिब की तरफ एंड जिसे आप गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं। तो ये जो एरिया है जो सारा अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, वो सारा जो प्रांगण है वो हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल का ही है। तो यहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है, वहाँ से हम जा रहे हैं आगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बाकी अगर कल टाइम मिला मुझे सुबह तो दोबारा से एक बार राउंड लगा के ज़रूर जाऊँगा, तो वो भी वीडियो के अंदर इंक्लूड ज़रूर करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को कि जो रिसाइकल बॉटल्स हैं इनके अंदर प्लांट्स लगा रखे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं एंड जो प्लास्टिक है उसका इजीली जो यूज़ किया गया है यहाँ पे। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है इसे बोलते हैं जोड़ा घर, जहाँ पे हम अपने जो चप्पल या जो जूते हैं वो सबमिट करवा के फिर ही आगे जाएंगे, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो ये लास्ट वाला है, यहाँ पे हम सबमिट करा के जाएंगे। As you can see, हर तरफ recycled plastic का use किया गया है। तो गाइज़ ये मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैं सेकंड टाइम विज़िट किया है गोल्डन टेंपल में। बट लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है। बट लिटरली मानिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसे है। बाकी जो डेकोरेशन वगैरह है वो तो टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होती रहती है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे रिसाइकल्ड मटेरियल का काफ़ी हद तक यूज़ किया गया है, काफ़ी हद से ज़्यादा। तो वो मैंने वीडियो के अंदर कैप्चर करके अभी आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। तो वो काफ़ी देखने वाली चीज़ है एंड अट्रैक्टिव भी लगते हैं देखते हैं तो वो चीज़ मैं घर पे ज़रूर ट्राई करने वाला हूँ। जो ब्यूटी यहाँ पे रात को देखने को मिलती है वो सुबह कुछ अलग होगी। सुबह का सीन अलग होता है, रात का सीन अलग होता है। तो ये इस पर जो गोल्ड प्लेटिंग की गई है, जैसे इस पर रात को लाइट डाली जाती है तो लाइट से ये क्या रिफ्लेक्ट होता है तो और भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं पानी के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ इसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है हमें। एंड इसके चारों तरफ यहाँ पे ये सरोवर है एंड सरोवर के चारों तरफ चलने के लिए बना हुआ है यहाँ पे रास्ता।
उस गेट से हमने एंट्री की, उस वाले गेट से, वहाँ से हम इधर से आए और इधर से आकर यहाँ से आके यहाँ साइड में बैठ गए। और ये जो पानी है इसके अंदर फिशेस वगैरह भी काफ़ी सारी हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, लेकिन डे टाइम में वो काफ़ी अच्छे से दिखेंगी। ऑरेंज कलर की फ़िश हैं।